गाइस बोर्ड के एग्जाम खत्म हो चुके हैं और पूरे 2 महीने के ब्रेक के बाद मैं फिर से वापस आ चुका हूं अपनी एक और नई वीडियो लेके। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूं एक और नया गैजेट जो कि है ये फिलिप्स का वन ब्लेड। तो ये मैंने इसलिए परचेस कर लिया था क्योंकि एग्जाम में दाढ़ी थोड़ी बड़ी हो गई थी तो फिर उसको काटने के लिए भी तो कुछ चाहिए तो फिर मैंने ये परचेस कर लिया। तो गाइस इसके मदद से आप लोग अपनी शेविंग वगैरह कर सकते हैं, वो भी एकदम कट प्रूफ शेविंग कर सकते हैं क्योंकि ब्लेड नहीं होता, ये ट्रिमर की तरह ही काम करता है पूरा। तो जैसे आप लोग उस्तरा वगैरह से बनाते होंगे या फिर किसी शेवर से बनाते होंगे तो उससे बहुत सेफ है, एकदम आप लोग कट प्रूफ शेविंग कर पाएंगे इसकी मदद से। और ये वाटर प्रूफ भी है, इसमें IP67 वाटर रेजिस्टेंस मिलता है आपको जिसकी मदद से आप लोग इसे पानी में डुबा डुबा के भी यूज कर सकते हैं। तो इसके काफी सारे आप लोगों को यूज मिल जाते हैं, आप इससे बाल काट सकते हैं, आप शेविंग कर सकते हैं और आप जहां चाहें वहां के बाल काट सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। और गाइज ये मैंने अमेजोन से परचेस करा है तो अगर आप लोगों को भी ये परचेस करना हो तो इसका बाय लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो उससे पहले मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि इसके साथ आप लोगों को क्या क्या चीजें मिलती हैं और आप लोग इसका किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो चलिए अपनी आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो इस फ्लिप्स के ब्लेड के साथ में आप लोगों को मिल जाते हैं इतने सारे अटैचमेंट्स। तो गाइज ये सारे आप लोगों को इसमें अटैचमेंट्स मिल जाते हैं जिसमें से ये इसका एक कवर है जो कि आप लोग इसे लगा सकते हैं, ट्रिमिंग वगैरह करने के बाद आप लोग इसे इस तरीके से इसके ऊपर लगा सकते हैं तो ये पूरा कवर हो जाएगा इस तरीके से, डस्ट वस्ट नहीं जाएगी इसके अंदर तो उससे बचा रहेगा ये। और गाइज जो इसका एक ब्लेड आप लोगों को मिलता है ये 6 महीने तक चलता है, मतलब आप लोग 6 महीने तक अगर इसे रेगुलर यूज करते हैं इसके ब्लेड को, ये जो ऊपर आप लोगों को इसमें ब्लेड मिलता है जैसे कि ये आपका इसमें ब्लेड है तो ये रिमूवेबल होता है, इस तरीके से आप इसे रिमूव कर सकते हैं। तो ये ब्लेड आप लोगों का 6 मंथ तक चलता है, 6 मंथ से ज़्यादा ये नहीं चलता है अगर आप लोग रेगुलर यूज़ करते हैं। और अगर आप लोग 10-15 दिन छोड़ के 5-6 दिन छोड़ के यूज़ करते हैं तो फिर ये 1-2 साल भी चल सकता है, वो आपके ऊपर है कि आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। और आप लोगों को पता किस तरीके से चलेगा कि ये खराब हो चुका है या नहीं हुआ है तो उसके लिए मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर मेरे पास 2 ब्लेड हैं तो इन 2 ब्लेड में आप लोग देख सकते हैं, एक ब्लेड को मैं आपको उठाकर दिखाता हूँ तो इसके ऊपर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर इस पर ग्रीन ग्रीन हो चुका है। तो इस पे अगर ग्रीन ग्रीन थोड़ा ज्यादा सा आप लोगों को दिखाई देने लगे इसका मतलब है कि ये खराब हो चुका है। तो आप लोग नया वाला ब्लेड देख सकते हैं, इस पे अभी कुछ खास ग्रीन ग्रीन नहीं आया, एकदम नया है ये, एकदम सिल्वर कलर का दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से आप लोग पता लगा सकते हैं कि आप लोगों का ब्लेड पुराना है या फिर नया है। और गाइस जब आप लोगों का ब्लेड ग्रीन हो जाए तब टाइम आ जाता है इसको चेंज करने का क्योंकि उसके बाद ये खुट्टल हो जाता है, मतलब बाल बाल अच्छे से नहीं काट पाता है, दिक्कत आती है, बाल खींचने लगता है, तो फिर आप लोगों को इसे चेंज करना पड़ेगा। तो 600 रुपीज के आसपास का आप लोगों को इसका एक ब्लेड पड़ता है, तो थोड़ा महंगा तो है लेकिन 6 महीने में 100 रुपये महीना भी सही है, आप लोगों को कट प्रूफ शेविंग करने को भी मिल जाता है और कोई दिक्कत भी नहीं आती शेविंग करने में। तो अभी हम लोग शेव करके भी टेस्ट करेंगे, बढ़ाई इस चक्कर में दाढ़ी मैंने टेस्टिंग करने के लिए इसकी, तो वो भी हम करेंगे। और गाइज ये अटैचमेंट्स आप लोगों को मैं लगाकर दिखा देता हूँ। तो गाइज ये यहाँ पर आप लोगों को 3 टाइप के अटैचमेंट मिलते हैं जो कि अलग अलग साइज के हैं। तो यहाँ पर एक 3 नंबर है, एक नंबर है और 1 5 नंबर का अटैचमेंट है। तो आप लोग इसे कुछ इस तरीके से इसके ऊपर यहाँ पर लगा सकते हैं और इससे आप लोग शेविंग कर सकते हैं, तो इस तरीके से लगा के आप लोग इसे यूज कर सकते हैं। तो गाइज इसमें आप लोगों को 5, 3 और 1 नंबर का अटैचमेंट मिलता है, तो इस नंबर पे अगर आप लोगों को कुछ काम करना है तो आप ऐसे करके शेव वगैरह बनाने के लिए इसे यूज कर सकते हैं। तो गाइज अब चलते हैं इसकी टेस्टिंग की तरफ, तो अब हम आपको इससे शेव बनाकर दिखाते हैं। तो गाइज इसको ऑन करने के लिए यहाँ पर इसके नीचे एक बटन दे रखा है, तो इसको आप लोग इस तरीके से घुमाएंगे तो ये ऑन हो जाएगा और ऐसे वापस घुमाएंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। और यहाँ नीचे इसका एक चार्जिंग पोर्ट है, इसका चार्जर आप लोगों को इसके बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, उससे आप इसे चार्ज कर सकते हैं। और इसका जो ऊपर आपको हेड दिख रहा है ये बोथ साइड यूजेबल है, मतलब आप इससे ऊपर करके भी इस तरीके से शेव बना सकते हैं और इस तरीके से भी शेव बना सकते हैं। तो फिर अब मैं आप लोगों को इसे यूज करके दिखाता हूं। तो भाई जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये एक बार में बिल्कुल क्लीन कर दे रहा है। तो गाइस इससे शेप बनाने के बाद अब हम इसे आराम से वॉश करके यहाँ पर रख देंगे, तो आप लोग इसे आराम से वॉश भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आपको इसे साफ करने में। सो गाइस जैसा कि आपने देखा कि इस ट्रिमर की मदद से मैंने एकदम क्लीन शेप यहाँ पर बना ली है, आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल यहाँ पर क्लीन शेप इसने बना दी है बिना किसी दिक्कत के, बिना कोई कट लगाए। और मैंने कोई आराम से भी शेप नहीं बनाई, बहुत जल्दी जल्दी मैंने शेविंग करी इस तरीके से, तब भी इसने कोई भी कट नहीं लगाया और एकदम क्लीन शेप बनाई है इसने। और गाइस इसकी मैं आप लोगों को एक और तरीके से टेस्टिंग करके दिखाता हूँ। तो अभी हम इसको एक बैलून पर आप लोगों को चलाकर दिखाएंगे तो उससे आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि इससे कोई कट नहीं लगता किसी चीज पर। यहां पर मैं एक बैलून लेकर आ चुका हूं, तो अब मैं इसके ऊपर आप लोगों को ट्रिमर चला के दिखाता हूं कि इससे कोई कट लगता है या नहीं। तो इससे आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा, अगर ये बैलून नहीं फटा तो इससे मतलब कोई कट नहीं लगता है। तो ये मैंने ऑन कर लिया है, तो मैं आप लोगों को इसे चलाकर दिखाता हूं इस पर। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं तो मैं यहाँ पर इस पर चला रहा हूँ बैलून पर, तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मैं पूरा टेढ़ा करके चला रहा हूँ। अब मैं आपको गाड़ के अंदर दबा के भी दिखाता हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं मुझे डर लग रहा है फट ना जाए, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है इस बैलून पर, ऐसे बिल्कुल मैं अंदर गाड़ के भी चलाऊँ तो देख सकते हैं आप लोग।
तो गाइज इसने ये प्रूव कर दिया है कि यहाँ पर ये बैलून नहीं फट रहा है, इसका मतलब इससे कोई भी कट नहीं लगता है। तो गाइज अगर आप लोगों को भी ये ट्रिमर परचेज करना हो तो इसका बाय लिंक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां पर जाकर आप लोग इसे अमेजोन से परचेज कर सकते हैं। और गाइज ये आप लोगों को 1200 या 1000 कुछ के अंदर ये आप लोगों को मिल जाएगा बहुत ही इजीली। और गाइज अगर यहाँ तक आप लोग बने हुए हैं तो फिर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, और मिलते हैं एक और ऐसी मजेदार वीडियो में। अब आप लोगों को रोज कुछ ना कुछ ऐसी मजेदार वीडियो मिलेंगी, या फिर रोज नहीं तो हफ्ते में तो एक वीडियो आप लोगों को ऐसी मिलेगी ही, और उसमें मैं अब बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया चीजों की अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूं, तो उन्हें आप लोग जरूर देखें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।